हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एलके स्टडी फैमिली में। मैं लोकेश कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। देखिए, हम पढ़ाई तो करते ही हैं, पढ़ाई तो करेंगे ही सही, लेकिन एक बार आप अपने बारे में कुछ बता दीजिए। आप ठीक ठाक तो हैं? आपके घर वाले ठीक ठाक हैं? सब अच्छे हैं? सबका दिमाग यहाँ पे होना चाहिए, वहाँ से आप हटा दो एक बार, यहाँ पे लगाओ। गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड की तो कोई टेंशन नहीं है ना? अगर गर्लफ्रेंड ने अगर धोखा दे दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे। देखिए, अड्डा भी मत करो, पढ़ लो। देखो, सबसे पहले तो हमने बात की थी किसके उद्योग में, सूती वस्त्र उद्योग की। सूती वस्त्र उद्योग में सबसे पहले हमने जाना था अजमेर की मिलों के बारे में। अजमेर की मिलों में सबसे पहले तो थी कृष्णा, उसके बाद थी एडवर्ड। कृष्णा जो थी सबसे पहली मिल थी, और 1889 में जिसका क्या हुआ था, स्थापना हुई थी। उसके बाद ये थी आपकी कौन सी, एडवर्ड मिल, जो पहली सार्वजनिक थी। फिर हमने बात की किसके बारे में, आपकी इसके बाद में आदित्य, आदित्य मिल्स हो गई एक, ये और एक ये, महालक्ष्मी और आपकी विजय कोटन, महालक्ष्मी और विजय कोटन, ये पांच मिले हैं। उसके बाद मैंने त्रिकोण बनाए थे ऐसे, यहाँ पे भीलवाड़ा में मेवाड़ शुगर, मेवाड़ आपकी टेक्सटाइल्स, उसके बाद यहाँ पे पाली में उम्मेद सिंह, उसके बाद यहाँ पर है शार्दुल, और यहीं पर है कोटा आपकी पहली स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात। ठीक है, ये हम बात कर चुके थे। उसके बाद हमने सहकारी मिलें भी देखी थी। सहकारी मिलों में हम बात करें तो यहाँ पर गुलाबपुरा भीलवाड़ा, एक गंगापुर भीलवाड़ा, उसके बाद यहीं पर है आपकी श्री गंगानगर मिल, कहाँ पर, हनुमानगढ़ में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो थी किसकी, सूती की मिलें। मैंने आपको बताया था, नहीं बताया था, उनको मैं फिर से बता उसको बता देता हूँ कि राजस्थान का मैनचेस्टर, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, मैनचेस्टर कहते हैं आपके भीलवाड़ा को, सभी जानते हैं, मुझे पता है। राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर किसे कहते हैं, भिवाड़ी को, कहाँ पर है, भिवाड़ी अलवर में है। कुछ जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। ठीक है, भारत का बात कर रहा हूँ, भारत का मैनचेस्टर हो जाएगा आपका कौन सा, अहमदाबाद, अहमदाबाद कहाँ पर, गुजरात में। उसके बाद भारत का बोस्टन, बोस्टन भी कहाँ पर है, बोस्टन शहर भी आपका यूनाइटेड किंगडम में है। ठीक है, तो बोस्टन हो जाएगा आपका कौन सा, ये अहमदाबाद ही, अहमदाबाद। क्या बताया मैंने, राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा, राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर भिवाड़ी, भारत का मैनचेस्टर आपका अहमदाबाद, और भारत का बोस्टन भी अहमदाबाद। भारत का देखो, उत्तरी भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, कानपुर को, कानपुर को कहाँ पर है, यूपी में है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, कोयम्बटूर को, कोयम्बटूर को जो कहाँ पर है, तमिलनाडु में। ठीक है, ये उत्तरी भारत का मैनचेस्टर, दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर, ये आपका भारत का मैनचेस्टर, ये राजस्थान का मैनचेस्टर, बस इतनी सी बात है, बस नॉर्मल नॉर्मल सी बात है। फिर देखो, अब हम बात करते हैं अगली जो मील पड़ी थी हमने, कौन सी, रिवाइज कर रहे हैं अभी हम, केवल रिवाइज। तीन मीले पड़ी थी चीनी की, और तीनों की तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे थी भूपाल सागर चित्तौड़गढ़ में, द मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड। ठीक है, उसके बाद ये स्थापना हुई थी 1932 में,
ये इसका नाम है द गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, ये 1936 में। और चुकंदर से चीनी यहीं पे बनती है और यहीं पे शराब बनती है, और यही प्रथम कौन सी गंगानगर वाली, यही प्रथम क्या है सार्वजनिक क्षेत्र की है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बूंदी में कौन सी, केशो राय पाटन, केशो राय पाटन जो है, केशो राय पाटन सहकारी मिल है और एकमात्र ही है अपने राजस्थान में, ठीक है। चीनी के बाद हमने पढ़ा था काच, काच उद्योग जो है, सबसे पहले तो काच उद्योग में हमें पता होना चाहिए कि धौलपुर फेमस है। काच उद्योग में क्या है, धौलपुर फेमस है, ये धौलपुर रहा। धौलपुर में धौलपुर ग्लास वर्कस, उसके बाद हाईटेक प्रिसीजन जो कि किसके अंतर्गत है, जो कि आपका किसके अंतर्गत है, ये आपका द गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड के अंतर्गत है। उसके बाद सेम कोर ग्लास वर्कस कहाँ पर, कोटा में। फिर यहीं पर है आपका भिवाड़ी अलवर में, क्या है भिवाड़ी अलवर में है आपका कौन सा सेम कोर, तो यहीं पर है सेंट गोबेन, कहां पर है, जो फ्रांस की एक कंपनी है सेंट गोबेन जो संचालित कर रही है इसको, भिवाड़ी अलवर वाले को, ठीक है। ये किसके बारे में, काच उद्योग के बारे में। काच उद्योग के बाद हमने कौन सा पढ़ा था, अब पढ़ेंगे, ठीक है, नहीं पढ़ा था ऊन उद्योग, क्या पढ़ते हैं अब हम, ऊन उद्योग, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, सीधे के सीधे ही रटेंगे, ऐसे ही रटेंगे, ऐसे ही काम चलेगा, ठीक है। रट रट के मनकड़े आईएएस बन गए, तुम कहाँ जी रहे हो, कहाँ याद करने की सोच रहे हो, याद करने में कुछ नहीं है। देखो सबसे पहले मैं उठाता हूँ बीकानेर, बीकानेर, फिर मैं उठाता हूँ भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के बाद में उठाता हूँ आपका जोधपुर, जोधपुर के बाद में उठाता हूँ कोटा, कोटा के बाद में उठाता हूँ, अरे कितने उठाओगे, ठीक है चलो चार उठा लेते हैं अभी तो, ठीक है। बीकानेर में क्या है, बीकानेर में एशिया की, किसकी, एशिया की सबसे बड़ी क्या है, ऊन मंडी, सभी जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जानते हैं, अच्छी बात है। ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला, विश्लेषण, ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला कहाँ पर है, बीकानेर में, ठीक है। उसके बाद ऊन विभाग, भेड़ एवं ऊन विभाग भी कहां पर है, बीकानेर में, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी, विश्लेषण, भेड़ एवं ऊन विभाग, और एक होता है गलीचा, गलीचा प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है, प्रशिक्षण केंद्र है आपका बीकानेर में, ठीक है, गलीचा प्रशिक्षण केंद्र बीकानेर। ये किससे संबंधित बातें हैं, ये बीकानेर से संबंधित बातें हैं, एशिया की सबसे बड़ी मंडी, मंडी और विश्लेषण प्रयोगशाला, ऊन विभाग, गलीचा, वरस्टेट यहीं पर, ठीक है, यहीं पर है आपके, अभी एक मिनट याद नहीं आ रही। भीलवाड़ा की हम बात करें, भीलवाड़ा में क्या है आपका, वूल प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग कैसे लिखते हैं रहा? प्रोसेसिंग क्या है, हाउस, मतलब कि वूल प्रोसेसिंग या ऊन प्रोसेसिंग हाउस कहां पर है, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में ही मैं बात करूं तो यहीं पर है आपके सिंथेटिक, सिंथेटिक क्या होता है, एक तो होता है नैसर्गिक स्वाभाविक, एक होता है कृत्रिम, कृत्रिम को बोलते हैं सिंथेटिक, सिंथेटिक ऊन का कारखाना कहां पर है, सिंथेटिक ऊन का कारखाना भी आपके, ऊन का कारखाना है भीलवाड़ा में। सर्वाधिक ऊन के वस्त्र, सर्वाधिक ऊन के वस्त्र जो तैयार करता है वो करता है भीलवाड़ा, लेकिन सर्वाधिक ऊन जो उत्पादित होती है वो होती है आपके जोधपुर में,
सर्वाधिक ऊन। ऊन विकास बोर्ड कहाँ पर है? ऊन विकास बोर्ड भी कहाँ पर है? आपके जोधपुर में। ठीक है, कोटा में क्या है? ऊन आयात निर्यात संवर्धन केंद्र कहाँ पर है? कोटा में। ज्यादा बातें नहीं है। बीकानेर में एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी है। विश्लेषण प्रयोगशाला आपकी बीकानेर में है। भेड़ एवं ऊन विभाग बीकानेर में है। गलीचा प्रशिक्षण आपके बीकानेर में है। भीलवाड़ा में वूल प्रोसेसिंग हाउस है। सिंथेटिक प्रयोगशाला वस्त्र जो सर्वाधिक बनते हैं वो बनते हैं आपके भीलवाड़ा। सर्वाधिक ऊन बनती है, उत्पादित होती है आपके जोधपुर में। विकास बोर्ड, ऊन विकास बोर्ड भी आपका जोधपुर में। और आयात निर्यात संवर्धन केंद्र कहाँ पर है? आयात निर्यात संवर्धन केंद्र है आपके कोटा में। ठीक है, अब बात करते हैं ऊन की। थोड़ी बहुत छोटी मोटी सी एक मेले हैं, वरस्टेट स्पिनिंग वीविंग मिल्स लिमिटेड। वरस्टेट स्पिनिंग एवं वीविंग मिल्स लिमिटेड लिखता हूं मैं, वरस्टेट स्पिनिंग व वीविंग वीविंग मिल्स लिमिटेड, ये कहाँ पर है? ये लाडनू में है। कहाँ पर है? लाडनू में है। और कहाँ पर है? चूरू में है। लाडनू कहाँ पड़ता है? नागौर में। बस वरस्टेट स्पिनिंग वीविंग मिल्स, वरस्टेट स्पिनिंग वीविंग मिल्स, वरस्टेट स्पिनिंग वीविंग मिल्स, वरस्टेट स्पिनिंग वीविंग मिल्स कहाँ पर है? वरस्टेट स्पिनिंग वीविंग मिल्स है आपके लाडनू नागौर, लाडनू नागौर। और राजस्थान स्टेट वुलन मिल, राजस्थान स्टेट वुलन मिल जो बोले थे अब देखना पड़ा है। ठीक है, राजस्थान स्टेट वुलन मिल कहाँ पर है? बीकानेर में। तो बीकानेर में पांच चीजें होंगी, कौन कौन सी? सबसे पहले तो सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर में, उसके बाद ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला बीकानेर में, गलीचा प्रशिक्षण संस्थान बीकानेर में, फिर मैंने आपको बताया ये आपके राजस्थान स्टेट वुलन मिल बीकानेर में। बस ये किससे संबंधित बातें थी? आपके ऊन उद्योग से संबंधित बातें थी। कैसे थी? ऐसे थी। कैसे थी? मैंने वैसे बता दिया लेकिन बताना ऐसे था। ये बीकानेर में है राजस्थान स्टेट वुलन मिल, लाडनू नागौर, ये तो चूरू, ये लाडनू नागौर, यहां पर क्या है? वह स्टेट स्पिनिंग व वीविंग मिल्स है। जोधपुर में बोर्ड है, उत्पादन है, फिर मैंने बताया भीलवाड़ा में प्रोसेसिंग हाउस है, सर्वाधिक ऊन उत्पादित होती है, सिंथेटिक प्रयोगशाला का कारखाना है, मतलब सिंथेटिक, तो ये ऊन इससे संबंधित। और एक कोटा में ध्यान रखें, कोटा में क्या है? कोटा में आपके आयात निर्यात ऊन आयात निर्यात संवर्धन केंद्र है आपके कोटा में, ये ऊन से संबंधित बातें खत्म। उसके बाद नमक, नमक उर्फ नून, जानते हो ना नमक उर्फ नून, जो निखा ना चाहिए ज्यादा पर खाते हम ज्यादा, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, खाया करो, पर मैं कहूंगा मत खाया करो, ठीक है भाई? नमक जो है मैंने बताया कि ये झीलें हैं भाई साहब नमक की, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है सांबर, जो किसने बनवाई थी? वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में विजोलिया शिलालेख के अनुसार बनवाई थी। इसी सांबर झील के किनारे क्या है? ये झील तीन जिलों में फैली हुई है, ऊपर तो जयपुर, इधर नागौर और नीचे आपका अजमेर। आती किसमें है? जयपुर में आती है। क्या होता है यहाँ पर? यहाँ पर नून तैयार होता है। कैसे होता है? ऐसे क्यारियां बनाकर, इसे क्या कहते हैं? क्यार पद्धति कहते हैं। क्यार पद्धति से नमक तैयार होता है। कौन करता है? सांबर साल्ट लिमिटेड। कौन करता है सांबर? सांबर
साल्ट लिमिटेड करता है, जो किसके, हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड के अंडर कार्य करता है। बात करें देश का तो 8.7 नमक तैयार होता है, राज्य का 80% नमक तैयार होता है। जिलों से नमक उत्पादन में अपना पहला स्थान है और नमक उत्पादन में वैसे तीसरा स्थान है, और पहला जो है वो है गुजरात का और दूसरा जो है वो है आपका तमिलनाडु का। क्या बताया मैंने, सांबर झील है, तीन झीलों में फैली हुई, कागजों में जो जयपुर में स्थित है, 8.7 नमक है देश में उत्पादन, ये तो देश में है, 80% ये राज्य का उत्पादित करती है। क्या पद्धति से नमक तैयार होता है, सांबर साल्ट लिमिटेड तैयार करता है। यहीं पर अलग दरी का दरीबा जो दिए थे, यहीं पर आपका फुलेरा जंक्शन है आपके, ये सांबर साल्ट लिमिटेड के बारे में बातें। यहीं पर है डीड वन, क्या है डीड वन, कहां पर, नागौर में, इसके बारे में क्या बात है, इसके बाद में इसके बारे में बात है Na सोडियम क्या पाया जाए, Na2SO4 सोडियम सल्फेट पाया जाता है यहां पर, सबसे खतरनाक नमक जो अखाद्य श्रेणी का है जिसे हम नहीं खा सकते। कहां पर, डीडवाना नागौर में। यहां पर स्पेशली देवल संस्थाएं काम करती है, कोई सांबर साल्ट लिमिटेड यहां पर नहीं आता, ठीक है, देवल संस्थाएं काम करती है, नमक तैयार करती है, काम नहीं आता है, क्या काम आता है, चमड़ा साफ करने में आता है, ठीक है। यहीं पर है आपकी पंचपदरा, पंचपदरा बाड़मेर, बाड़मेर जो पंचपदरा बाड़मेर में स्थित है, ये दी बेस्ट क्वालिटी का नमक तैयार करती है। दी बेस्ट का मतलब सबसे अच्छा, जो NaCl पाया जाना चाहिए नमक में, जो आयोडाइन पाया जाना चाहिए नमक में, वो पाया जाता है पंचपदरा में, ठीक है, बाड़मेर में है ये। यहीं पर आपकी खारवाल जाति नमक तैयार करती है, किससे, वायु या रेस्ता पद्धति से करती है तैयार। क्या, नून, क्या तैयार करती है, नून, कौन करती है, खारवाल जाति, किस टहनी से, मोरली झाड़ी की टहनी से। कितना डिटेल है गुरु जी, इतना ही डिटेल है मेरे भाई। देखो तो सांबर 8.7 80% क्यार पद्धति नमक तैयार, सांबर साल्ट लिमिटेड। डीडवाना अखाद्य श्रेणी का नमक, नागौर में झील है, और ये आपके नमक तैयार देवल संस्था है। बाड़मेर में है पंचपदरा, जो दी बेस्ट क्वालिटी का नमक तैयार है। खारवाल जाति, रेस्ता पद्धति, झाड़ू पोछा करने वाले, और आपके मोरली झाड़ी की टेनी, ये आपके क्या हो गया, नून उद्योग। राजस्थान का नून उत्पादन में झीलों से पहला स्थान है, वैसे तीसरा स्थान है, पहला आपका गुजरात का है, दूसरा आपका तमिलनाडु का है, और बस बस थोड़ी सी बात और कर लें, थोड़ी सी बात और कर लें किसके बारे में। अब बात कर लेते हैं अपन वनस्पति, वनस्पति घी क्या होता है, बताओ मुझे वनस्पति घी, व्हाट इज दिस, क्या होता है वनस्पति घी, मतलब कि डालडा, जिसमें तुम पुड़िया तड़ लेते हो, कर लेते हो ना पुड़िया तड़ने का प्रोग्राम ब्यावड़े में किसी के, तो वो किस में होता है, वो होता है आपके डालडे में, और ये डालडा आपके वनस्पति घी कहलाता है। इसका पहला कारखाना लगा था भाईसाहब भीलवाड़ा में, और यहीं पर कब, 1964 में, क्या लगा था, प्रथम, किसका लगा था, घी का, घी कौन सा है, वनस्पति। भीलवाड़ा में प्रथम कारखाना 1964 में, प्रथम घी का, वनस्पति का, ठीक है। फिर हम बात करें कि मेहता वनस्पति घी, कौन सा, मेहता, मेहता जी, मेहता कौन सी गली में रहता, हंडिया का पानी पीता, ढक्कन में चुप रहता। तो मेहता जो वनस्पति घी है वो कहां पर है, वो चित्तौड़गढ़ में है, मेहता वनस्पति घी चित्तौड़गढ़। रोहिताश्व
अरे रोहिताश्व वनस्पति घी कहां पर है? ये आपके रोहिताश्व वनस्पति घी दुर्गापुरा जयपुर, दुर्गापुरा जयपुर कहां पर है रे? ये दुर्गापुरा जयपुर में है रोहिताश्व वनस्पति घी। फिर बात करें आमेर वनस्पति घी, आमेर वनस्पति घी जो है वो है आपके कहां पर है? ये आपका झोटवाड़ा, झोटवाड़ा जयपुर। तो ध्यान रहे वनस्पति घी का प्रथम कारखाना भीलवाड़ा में, वनस्पति घी का प्रथम कारखाना भीलवाड़ा में। केसरी वनस्पति घी निवाई टोंक, वनस्थली विद्यापीठ निवाई टोंक, और केसरी वनस्पति घी भी आपके निवाई। ये किससे बात है? ये घी से बात है, घी से, घी की बात। घी से आपका वनस्पति घी है, पहला कारखाना 1964 में है घी का, वनस्पति घी का। मेहता वनस्पति घी चित्तौड़गढ़ में है, आमेर वनस्पति घी झोटवाड़ा में है, रोहितास वनस्पति घी दुर्गापुरा जयपुर में है, निवाई टोक में कौन सा है? केसरी वनस्पति घी। दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कतई होती है तो कमेंट करो, आपका है कमेंट सेक्शन, हमारा है पढ़ना काम, ठीक है? तो ये वनस्पति घी से संबंधित बातें थी भाई, सब बड़ी ही कतई जहर बातें थी। ये बातें आपको घर कर जाएंगी, ये बातें आपके दिल में बस जानी चाहिए, नहीं तो वो आने वाली भी नहीं बसेगी, कतई नहीं बसेगी दिल में तो कतई। तो ध्यान रखना ये बातें दिल में बस जानी चाहिए। तन पायल गड़ा दिया पेर मार रंग बसिया, बात मानो ते मारी मन पसिया, आओ थाना से लगा लियो, ठीक है? बन गया मैप। अब किसके बारे में? अब बात करते हैं अपन फर्टिलाइजर, यानी कि उर्वरक। उर्वर, ठीक है, उर्वरक उद्योग मतलब रासायनिक से संबंधित है, रसायन आधारित। पढ़े थे हमने सबसे पहला तो कृषि आधारित, खनिज आधारित, अभी सीमेंट नहीं पड़ा ध्यान रखना खनिज में, उसके बाद उर्वरक रसायन आधारित में। सबसे पहले तो हम बात करते हैं गड्ढे पान कोटा, गड्ढे पान कोटा, गड्ढे पान कोटा जो है ध्यान रहे इसके बारे में, यहां पर चंबल फर्टिलाइजर है, चंबल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कहां पर है? गड्ढे पान कोटा में है। यहां पर फेमस बात है यूरिया, यूरिया का सूत्र कमेंट सेक्शन में लिख दो फटाफट। यूरिया जो बनता है वो देश का कह दो या राज्य का कह दो, राज्य का सबसे बड़ा यूरिया उत्पादक कोई संयंत्र है, कोई आपका फर्टिलाइजर कंपनी है, वो चंबल फर्टिलाइजर, ठीक है? तो देश या राज्य का सबसे बड़ा यूरिया उत्पादक आपका मान लो कंपनी फर्टिलाइजर्स, चंबल फर्टिलाइजर्स, गड्डेपान कोटा। श्री राम, श्री राम कहाँ पर? कोटा में। श्री राम फर्टिलाइजर जो है आपके वो भी कहाँ पर है? कोटा में। जो सर्वाधिक क्या करता है? जो सर्वाधिक आपके खाद का उत्पादन करता है, खाद सर्वाधिक जो बनाता है वो कौन बनाता है? श्री राम फर्टिलाइजर कोटा। फिर हम बात करेंगे राष्ट्रीय यहीं पर कहां पर? भरतपुर में। भरतपुर में आपका कौन सा है? भरतपुर में है आपका प्रथम जैविक खाद का कारखाना। कहां पर है? भरतपुर में है। प्रथम जैविक राज्य कौन सा है? सिक्किम। स्थापना 1975 मिला, मतलब जैविक राज्य तो आपका सिक्किम हो गया,
जैविक जिला अपना डूंगरपुर हो गया। अब आप मुझे ये बताइए, अगर ज्ञान है आप में कमेंट सेक्शन में बताइए, थोड़ा बहुत अगर रखते हो आप तो फिर मैं तो बताऊंगा इसी कि अपना कौन सा ऐसा यूटी है, यूनियन टेरिटरी, जो कि पूर्णतः जैविक में आ चुका है। ठीक है, बात करें भरतपुर, आपका प्रथम जैविक कारखाना गड़ेपान कोटा चमल फर्टिलाइजर, उसके बाद ट्रिपल ज्योति, क्या है ट्रिपल ज्योति, कहाँ पर है ट्रिपल ज्योति फास्फेट का कारखाना है आपका खेतड़ी, कहाँ पर झुंझुनू में। ठीक है, खेतड़ी झुंझुनू में आपका ट्रिपल ज्योति फास्फेट, खेतड़ी झुंझुनू ट्रिपल, कैसे ट्रिपल ट्रिपल काम कर दिए खेतड़ी ने, कैसे, यहीं पर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का कारखाना है, यहीं पर तांबा निकलता है, यहीं पर अजीत सिंह के यहां पर विवेकानंद रुके थे, तो ट्रिपल ट्रिपल काम हो गए कि नहीं हुए, हो गए। तो आपका ज्योति ट्रिपल या ट्रिपल ज्योति खेतड़ी झुंझुनू, ठीक है, ठीक है। तो ये आपके किससे संबंधित थे, उद्योग से संबंधित, कुछ और उद्योग थे तो ये हमने कंप्लीट कर लिए, अच्छी बात है। अब अगली नेक्स्ट क्लास में जब हम पढ़ेंगे तो आराम से सीमेंट को देखेंगे, सीमेंट को जानेंगे, उसी के बारे में पढ़ेंगे, और थोड़ा बहुत और बाकी बच रहा है उसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे बड़ा ही जल्दी। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। और कर दिखाइए कुछ ऐसा जो करना चाहे आपके जैसा लोकधणी, कहते हैं ना कि मैं तो उसकी तरह बनूंगा, बोलते हैं मैं उसकी तरह बनूंगा, मैं बिल गेट्स की तरह बनूंगा, मैं फलाने की तरह बनूंगा। तो आप भी कुछ ऐसा कमाल कीजिए अपने माँ बाप के आशीर्वाद से, अपने उस ऊपर वाले की कृपा से आप ऐसा काम कीजिए लोग आपकी तरह बनना चाहें, अपने अंदर ऐसे सकारात्मक गुण लाइए। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद, प्रणाम।